आव्हान 2016 विषयी त्यांनी थोडीशी माहिती द्यावी. बेसिकली जो प्रोग्राम है वो चांसलर डिबेट के द्वारा जो एनएसएस का प्रोग्राम चलता है बच्चों में डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रति भावना को जागृत करने के लिए, डिजास्टर को कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसको कैसे मिटिगेट किया जाए और कितना कम से कम जन और धन की हानि हो उसके लिए हम बच्चों को सिखाते हैं. बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट के बहुत सारे आयाम हैं लेकिन हम लोग मुख्यतः चार आयामों में जोर दे करके बताते हैं. पहला आयाम है CSSR, इसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू. दूसरा होता है MFR, इसको बोलते हैं मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स. फिर तीसरा है FWR, इसको बोलते हैं फ्लड वाटर रेस्क्यू. देन सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है CBRN. CBRN को कहते हैं केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर. इन चारों आयामों को लेकर के हम बच्चों में एक जागरूकता पैदा करते हैं, उनको समझाते हैं कि यदि कोई भी विपत्ति हो, मैन मेड हो या नेचुरल हो, इनके साथ के आसपास के इलाके में घटित हो तो आप और लोगों को उसमें इकट्ठा करके और उस विपत्ति को अधिक से अधिक मिटिगेट करने की कोशिश करें, कम से कम जन और धन की हानि हो इसके लिए आप प्रयास करें. ऐसा हमारा प्रयास रहता है और पुणे यूनिवर्सिटी द्वारा जो सहयोग दिया जा रहा है उस सहयोग को लेकर के NSS में जितने 36 जिला मुख्यालय से बच्चे आए हैं उनको हम अच्छे से अच्छे क्वालिटी का प्रशिक्षण देंगे और ऐसा करते हैं कि उनको प्रशिक्षित करके हम यहाँ से विदा करेंगे. तर मित्रांनो, तिवारी सरांकडनं आपल्याला जी माहिती मिळाली की NDRF ही कोणत्या धर्तीवर काम करते आणि कशा प्रकारे लोकांचा जीव कमीत कमीत नुकसान होऊ देण्याचं जे प्रमाण आहे ते प्रमाण कमी करण्याचं जो त्यांचा उल्लेखनीय आणि प्रशंसनीय असं कार्य असतं त्याबद्दल त्यांनी माहिती दिली. त्यांच्या या मोलाच्या माहितीबद्दल मी स्वतः त्यांचा फार आभारी आहे. सर, धन्यवाद. थँक्यू.